इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लासिकल रिलेटिविटी के बारे में। ये थ्योरी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के पहले की है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज नहीं है, यानी कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो पूरी तरह से रेस्ट पोजीशन में है और ना ही मोशन में। सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेटिवली मूव करते रहते हैं। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि राम और श्याम एक चलती हुई ट्रक पर है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। क्योंकि राम और श्याम उसी चलती हुई ट्रक पर है, तो इसीलिए राम और श्याम भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे मूव हो रहे हैं। इसीलिए वो ये सोच सकते हैं कि वो दोनों बस अपने जगह पर खड़े हैं और उन दोनों के लिए फिजिक्स के लॉज सेम उसी तरह होंगे जैसे कि वो जमीन पर खड़े हैं। अगर वो दोनों उस ट्रक पर बॉल से खेल रहे हैं और बॉल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी जा रही है, तो उन्हें यही लगेगा कि वो बॉल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही फेंक रहे हैं। लेकिन विजय उस ट्रक पर नहीं है और वो बाहर खड़ा है, और जब वो राम और श्याम को बॉल फेंकते हुए देखता है, तब उसे ये पता चलता है कि जब राम ने बॉल फेंकी थी तब बॉल की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। उसने उस चलती हुई ट्रक की स्पीड और बॉल की स्पीड को ऐड कर दिया, और जबकि श्याम जो राम के सामने था, जब उसने बॉल फेंकी तब विजय को यह लगा कि वो बॉल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। विजय ने उस चलती हुई ट्रक जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, उसमें से बॉल की स्पीड को माइनस कर दिया। लेकिन क्या विजय सच में अपनी जगह पर स्थिर खड़ा है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि विजय ट्रूली रेस्ट पोजीशन में है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी घूम रही है, हमारा सूर्य भी घूम रहा है, यहाँ तक कि हम जिस गैलेक्सी में है वो भी कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है। इसीलिए ये नहीं डिसाइड किया जा सकता कि कौन रेस्ट पोजीशन में है और कौन मूव हो रहा है, और ये बताना कि कौन रेस्ट में है या कौन मोशन में, ये एक ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम पिछले एग्जाम्पल में देखें, तो अगर राम और श्याम की पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो दोनों अपनी जगह पर रेस्ट पोजीशन में है जबकि पूरी दुनिया घूम रही है। और अगर विजय की पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो अपनी जगह पर स्टिल मोशन में खड़ा है, यानी कि रेस्ट पोजीशन पर खड़ा है, और राम और श्याम मूव हो रहे हैं। तो ये थी क्लासिकल रिलेटिविटी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मेरे अगले वीडियो में बात करूंगा आइंस्टाइन की दी गई थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, तो वो देखना ना भूलें।